वेलकम टू माय पंडित। यहाँ हम सन साइंस के अनुसार जनरल प्रेडिक्शंस बताते हैं। अगर आपके और कोई सवाल है तो माय पंडित ऐप डाउनलोड करके हमारे एस्ट्रोलॉजर से डायरेक्टली बात करें। माय पंडित के यूट्यूब चैनल पर हम लोग आपके लिए लाते हैं रिलेशन एंड करियर बेस्ड प्रेडिक्शंस हर वीक। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपकी किस्मत आपके लिए लेकर आई है आसान सा, हैप्पी गो लकी सा, मस्त वाला पूरा हफ्ता। इस हफ्ते आप अपने पार्टनर के साथ ज्यादा टाइम बिताएंगे, फिर तो आपका रिलैक्स होना ऑब्वियस है ना। अगर नियर फ्यूचर में आपके मैरिज को लेकर प्लान्स बन चुके हैं तो इस हफ्ते उन प्लान्स में किसी तरह का डिले आ सकता है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, इस सप्ताह में आपको कोई गुड न्यूज मिलने वाली है, रियल वाली गुड न्यूज। लेकिन गुड न्यूज के चक्कर में फाइनेंशियल मैटर्स में जल्दबाजी मत कर देना, मतलब जल्दी जल्दी में कोई इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। देखिए, रियल एस्टेट में आपको मनचाहा रिटर्न मिलने की संभावना तो कम है, तो जरा सोच समझ के आगे बढ़िएगा। करियर के मामले में आपको कोई अच्छा सा पुश या मोटिवेशन मिलेगा। ओवरसीज प्रोजेक्ट या एब्रॉड से रिलेटेड कोई अच्छी बात हो सकती है। वैसे जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है खुश रहने के लिए? वो है सक्सेसफुल करियर। अगर आप अपने काम से खुश हैं, अच्छा कमाते हैं, तो यू आर द किंग ऑफ दिस वर्ल्ड। और जब पैसे हैं तो खर्च करना तो लाजमी है। इस हफ्ते आप कुछ शॉपिंग कर सकते हैं या फिर धार्मिक प्लेसेस पर यात्रा के लिए जा सकते हैं। एक और बात है, आपकी नई निहाल यानी मैटरनल फैमिली से फाइनेंशियल रिलेटेड क्राइसिस हो सकते हैं। शायद उन्हें आपके सपोर्ट की जरूरत पड़े, तो उस हिसाब से भी आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। सिर्फ खर्चे ही नहीं, आपकी डिमांड भी बढ़ने वाली है प्रोफेशनली। जी हाँ, यह अच्छी बात है, आपके बॉस को आप पर काफी भरोसा है, तो इस हफ्ते जॉब में आपको एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाएगी। प्रोग्रेस पक्का है, बस आपको अपनी जबान पर काबू रखना है। ग्रहों की स्थिति बता रही है कि आपकी जुबान आपको मुश्किल सिचुएशन में फंसा सकती है। एक और बात, इस हफ्ते जॉब में पोस्टिंग चेंज या ट्रांसफर जैसी डिमांड ना करें, धीरज रखें। और हाँ, आखिरी बात कि स्टूडेंट्स के लिए ये सप्ताह काफी सक्सेसफुल रहेगा। आपने कभी ना कभी बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद में ये जुमला तो सुना ही होगा कि फलो फूलो खुश रहो। मतलब फूलो फलो वाले आशीर्वाद की और कोई बात नहीं, हम तो बस ये कहना चाहते हैं कि आपकी मोहब्बत का, आपके रोमांस का अभी फूलो फलो वाला मौसम चल रहा है। स्पेशली जिन्होंने हाल ही में डेटिंग शुरू की है उनके लिए ये वीक खास बन जाएगा। अपनी डीप लिंक्स जिसे आप अपने अब तक दिल में दबा कर रखा है उसे आप खुलकर बयां कर पाओगे। अगर शुरू शुरू में आपका पार्टनर जवाब देने में या प्यार एक्सेप्ट करने में थोड़ा हेसिटेट होने लगे तो घबराएगा मत, क्योंकि बाद में वह भी गर्म जोशी के साथ अपने प्यार का इजहार करेगा। इस वीक सब कुछ हैप्पी हैप्पी और पॉजिटिव होने वाला है, स्पेशली उनके लिए जो मैरिड है। तो टॉरस पीपल इस हफ्ते जस्ट एंजॉय बीइंग इन लव। एंजॉयमेंट तो प्रोफेशनल लाइफ में भी है, क्योंकि इस हफ्ते आपको नए प्रोजेक्ट मिलने की पॉसिबिलिटीज है। ओवरसीज प्रोजेक्ट भी मिल सकते हैं। बड़े काम या टारगेट जो आप काफी टाइम से फुलफिल करना चाहते थे वो होने के चांसेस इस हफ्ते बढ़ने वाले हैं। है ना खुश होने वाली बात। बिजनेस ट्रिप भी ड्यू हो सकती है। आपके पेमेंट जो अटके हुए हैं उनमें भी डिले हो सकती है, लेकिन आखिरकार आप अपनी बातों और बिजनेस टेक्निक के जरिए आराम से पेमेंट निकलवा ही लेंगे। सो नो वरीज। यही नो वरीज वाली बात स्टूडेंट्स के लिए भी सच है। इस हफ्ते अगर आपकी कोई टेस्ट या एग्जाम हो तो हमारी गारंटी है कि आप उसमें काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे और अपना बेस्ट देंगे। वैसे पढ़ाई बहुत कर ली, इस हफ्ते थोड़ा सा ब्रेक लेकर खेल कूद या अपनी पसंद की कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करिए, माइंड फ्रेश हो जाएगा। बाकी टीचर्स की बात सुनते रहिए और मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। हाँ, इस हफ्ते डाइजेशन के कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रॉपर फूड टाइम टेबल फॉलो करेंगे तो ज्यादा परेशानी नहीं होगी। गीता में कहा गया है कि क्रोध ही हमारे जीवन की सारी तकलीफों का मूल कारण है।
अरे भाई, ये ज्ञान आपसे इसलिए बांट रहे हैं क्योंकि आपको ये समझाना चाहते हैं कि गुस्सा आपके लिए बुरा है, गुस्से से बच के रहिए। इस हफ्ते गुस्सा आपके दिमाग पर हावी हो सकता है, ऐसा होने से नुकसान आपका ही होगा। खास करके प्रोफेशनल लेवल पर अपने टेम्परामेंट को कूल रखना होगा, बिना बात के किसी के साथ और डिस्कशन में ना पड़े। गुस्से में आकर कभी कभी हम कोई ऐसी बात बोल जाते हैं जो प्रैक्टिकली करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता है तो बाद में हमें ही नीचा दिखना पड़ता है। इन शॉर्ट, ये बातें अल्टीमेटली आप ही को फ्रस्ट्रेट करेगी। सो फोकस रहिए, अपने स्वभाव पर कॉन्सेंट्रेट करें और फिर एक बार गुस्से से बच के रहिए। अच्छा, अब ये नसीहत वाली बातें छोड़िए, आपको बताते हैं कि इस हफ्ते आपके साथ क्या क्या अच्छा हो सकता है। एक तो दोस्तों से, फैमिली से मेल मिलाप बढ़ने वाला है। दूसरा, फॉर्चुनेटली कोई ना कोई ऐसा आपको इस हफ्ते मिलेगा जो कि आपके फ्यूचर में बड़े डिसीजंस लेने में आपकी हेल्प करेगा। इस हफ्ते अपने इन-लॉज के साथ भी आपका मेलजोल बढ़ेगा और उनकी ओर से आपको काफी सपोर्ट और एप्रिसिएशन भी मिलेगा। इसके अलावा फाइनेंशियली भी ये वीक आपके लिए अच्छा है, कुछ कंसिडरेबल सेविंग भी हो सकती है। आप डेडिकेटेड है और अपने कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए एक्टिव भी है, इसलिए आपके रिश्तेदारों और प्रोफेशनल सर्कल में आपके लिए काफी रिस्पेक्ट भी है, जो कि इस हफ्ते और भी बढ़ेगा। रिस्पेक्ट तो बढ़ेगा, मगर एक चीज है जो इस हफ्ते घटेगी और वो है आपकी नींद। जी हाँ, इस हफ्ते आपको स्लीपिंग डिसऑर्डर का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन वो बड़ी बात नहीं। आपको आंखों से रिलेटेड भी कोई छोटी बड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन वह कंप्लेंट नेग्लिजिबल होगी। हाँ, गुड न्यूज ये है कि अगर आप कई दिनों से किसी अच्छी जॉब की तलाश में हैं, तो फाइनली आपका टाइम आ गया है। या तो इस हफ्ते आप एक अच्छी सी जॉब पाएंगे या फिर आपको काफी अच्छी जगह से इंटरव्यू के कॉल भी आ सकते हैं। सो बी रेडी फॉर इट। हिंदी भाषा में दो मुश्किल लगने वाले शब्द है, एक है मनोमंथन और दूसरा है आत्मनिरीक्षण, यानी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। नहीं नहीं, हमें आपकी हिंदी की क्लास नहीं लगानी, मगर आने वाला सप्ताह इन्हीं शब्दों के बारे में है। और अच्छी बात यह है कि इस सप्ताह आपको सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। कभी कभी हमारे साथ कुछ ऐसी मुश्किलें होती है, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनके बारे में खुद को ही पता नहीं चलता। ऐसे सारे प्रॉब्लम्स इस हफ्ते सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि इस हफ्ते आपकी विजन क्लियर होगी, आपकी समझ में आएगा कि ज्यादा सक्सेसफुल होने के लिए आपको दरअसल कहां और क्या करना होगा, या फिर ये समझ में आएगा कि वाकई खुश होने के लिए कहां लेट गो करना है। वैसे छोटी लगती है, मगर एक्चुअली यही बहुत बड़ी बात है। और इसी तरह से क्लियर हेड होना आपके लिए बहुत बड़ी हेल्प साबित होगी। इस वीक आप कुछ और बातों को भी क्लियर कर सकते हैं, जैसे कि अगर शादी के लिए रिश्ते आए हैं तो आप उन कैंडिडेट्स के बारे में प्रॉपर स्टडी कर सकते हैं जिसके बेसिस पर फ्यूचर में डिसीजंस लेने होंगे। इस हफ्ते आप अपने आप को थोड़ा सिस्टमेटिक स्टेबल बनाएंगे, थोड़ा एक्सट्रोवर्ट भी होंगे। वैसे एक्सट्रोवर्ट होना अच्छा है, बस इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं आप एग्रेसिव ना हो जाए। बातों को छुपाना, थोड़ी सीक्रेटिव होना आपके स्वभाव में शामिल होगा। बिफोर द एंड ऑफ दिस वीक प्रोफेशनली आपको कुछ अच्छी डील्स मिलेगी। अच्छी बात ये है कि ये हफ्ता आपको फायदा कराने का, पैसे कमाने का वादा लेकर आया है। सिर्फ कमा ही नहीं, खर्चा भी होगा। इस हफ्ते कोई सडन एक्सपेंस आ सकते हैं। वैसे इंट्रोस्पेक्शन की वजह से आपको जो नई रियलाइजेशन हुई है उसका फायदा हर फील्ड में होगा। स्टूडेंट्स भी इस हफ्ते जिंदगी को नए नजरिए से देखना शुरू करेंगे। उन्हें कोई ऐसा मिलेगा जो उनके जीवन में फ्रेंड या फिलोसोफर एंड गाइड की भूमिका प्ले करे, या कोई ऐसा जो उन्हें गलत रास्ते पर जाने से या भटकने से रोके। और ऐसा कोई जिंदगी में होना बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों। तो कह सकते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए काफी अच्छा साबित होगा। तकदीर से बिगड़ी हुई तदबीर बना ले। जी हाँ, इस हफ्ते हर फील्ड में हर एक दिशा से आपकी ओर सिर्फ जीत
यानी कि विक्ट्री आने वाली है। अगर आप में से कोई जो लॉटरी की टिकट लाया है तो वह जीत की उम्मीद जरूर ला सकता है। इन्वेस्टमेंट में भी आप थोड़ा बहुत खतरा उठा सकते हैं। अगर आप लंबे समय से सोच रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो दिस इज द राइट टाइम, स्पेशली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपके लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। अगर आप किसी तरह की कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले रहे हैं तब भी वहाँ भी आपके जीतने के चांस बढ़ जाते हैं। अगर आप एक स्पोर्ट्समैन है तो भरोसा रखिए, फील्ड पर आपकी तकदीर आपका साथ देने वाली है। अब जब खुद तकदीर का साथ है तो क्या नहीं हो सकता। अगर आप घर बसाना चाहते हैं तो इस हफ्ते आपको सामने से अच्छे प्रपोजल मिलेंगे। अरेंज मैरिज करने के लिए कोई अच्छा रिश्ता कभी भी आ सकता है। हो सकता है कोई करीबी रिश्तेदार ही मीडिएटर बन जाए जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है या मैरिड है। उनके लिए ये हफ्ता रोमांस से भरपूर होगा। इस हफ्ते आप अपने पार्टनर के साथ बिताएंगे रियल क्वालिटी टाइम। अब क्वालिटी टाइम तो तभी बिता सकते हैं जब हेल्थ भी सही रहे, जो कि रहेगी। आपकी फिटनेस भी बढ़ेगी, आप एंथुजियास्टिक और एनर्जेटिक रहेंगे। वैसे लियो पेरेंट्स के लिए जरूरी है कि अपने बच्चों का ध्यान रखें, क्योंकि उनके बच्चों के साथ कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो सकता है तो बच्चों की केयर करें। बाकी स्टूडेंट एकेडमिकली मुश्किल टास्क कंप्लीट करने में फोकस करेंगे। स्टूडेंट के लिए एडवाइस है कि सिर्फ पढ़ाई नहीं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी पर भी ध्यान दीजिएगा। लाइफ में कभी कभी सब नॉर्मल होना कॉमन है। अब नॉर्मल होना नॉर्मल ना होना से बेहतर ही होता है। बहुत अच्छा ना होना बुरा होने से तो अच्छा ही है ना। आपका यह हफ्ता भी ज्यादातर नॉर्मल रहेगा। शुरू में आपको लगेगा कि आपका पार्टनर उदास है या उनका इंटरेस्ट कम हो गया है, लेकिन धीरे धीरे आप अपने रिश्ते में प्यार और गर्माहट का वापस आना महसूस करेंगे। इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा और अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए आप स्पेशली एफर्ट्स भी डालेंगे। इस हफ्ता अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का चांस है। हमें तो किसी छोटी मगर अच्छी सी रोमांटिक सी ट्रिप के चांस भी दिखते हैं, जो आपकी रिलेशनशिप को एक और फ्रेशनेस देंगे। फ्रेशनेस की जरूरत तो स्टूडेंट्स को भी होगी, क्योंकि इस हफ्ते आप पढ़ाई को थोड़ा सा पकाऊ महसूस करेंगे। दरअसल पढ़ाई पकाऊ नहीं होती, पढ़ने वाला ही अनफोकस्ड होता है। इसलिए अपना एकेडमिक टारगेट को अचीव करने के लिए अपने आप को फोकस करें और ज्यादा मेहनत करें। मेहनत का फल मिलकर ही रहता है। अगर आप प्रोफेशनल हैं, तब भी आपके लिए ये बात मायने रखती है, क्योंकि बिजनेस में या जॉब में शुरुआती दिन डिसअपॉइंटिंग हो सकते हैं, लेकिन मेहनत करते रहे तो बाद में सिचुएशन जल्द ही बेटर हो जाएगी। लेकिन सिचुएशन को बेटर करने के लिए कुछ ध्यान आपको भी रखना होगा, और आपको सिर्फ ये करना है कि धीरज रखना है। धैर्य हर मुश्किल का हल है। कुछ भी नया करें तो शुरुआती हिकअप्स को दिल पे ना लें और आगे बढ़ते रहें। वैसे फाइनेंशियल इनकम आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती रहेगी। आपके बॉस और सुपरवाइजर भी आपके एफर्ट्स को सराहेंगे और सपोर्ट भी करेंगे। सो ऑल द बेस्ट, आप अच्छा ही परफॉर्म करेंगे। स्टमक या डाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हो तो डोंट वरी, ये ज्यादा बड़ी नहीं होगी। वैसे तो हमें कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं खोलनी, लेकिन फिर भी हम आपके लिए एक स्लोगन देना चाहते हैं, और वह ये है, किस्मत का साथ आपका विकास। किस्मत का साथ आपका विकास। इस हफ्ते आपको हर तरफ से सपोर्ट मिलेगा, चाहे वह सुपीरियर्स की ओर से हो या कलीग्स की ओर से हो। प्रोफेशनली आपका ज्यादा विश्वास किया जाएगा और आपको नई नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज सौंपी जाएंगी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप अच्छे से फुलफिल भी करेंगे, जिसकी बदौलत आपके करियर को एक नया रास्ता मिलेगा। बिजनेस में भी ये वीक खास रहेगा, क्योंकि इस हफ्ते आपका बिजनेस स्टेबल होगा। वैसे बिजनेस में सब कुछ अच्छा हो ये जरूरी तो नहीं, हो सकता है कुछ खर्चे हो। इनकम को बढ़ाने के लिए नए चांसेस भी कम हो सकते हैं, लेकिन इस सिचुएशन को आप ही ओवरकम कर सकते हैं बेहतर मैनेजमेंट स्किल की हेल्प से। वैसे अपना मूड लिफ्ट करने के लिए इस हफ्ते आप किसी पार्टी या गैदरिंग में जरूर शामिल होंगे। आपकी हेल्थ, फूड हैबिट्स और लाइफस्टाइल भी नॉर्मल रहेगी।
और स्टूडेंट्स भी एकेडमिकली अच्छा परफॉर्म करेंगे। जहाँ तक बात रिलेशनशिप की है, आप इस सप्ताह रोमांस को एंजॉय करेंगे। प्लैनेट्स का पूरा पूरा सपोर्ट आपके साथ है, आपका पार्टनर भी सपोर्टिव होगा और आपको अच्छे से समझेगा। तो एक काम करिए, अपने लव्ड वंस के साथ एक छोटा सा वैकेशन ही ले लीजिए, क्योंकि उनके साथ फ्यूचर को लेकर इम्पोर्टेंट डिस्कशन करना हो तो ये बेस्ट टाइम है। लेकिन याद रहे, डिस्कशन के दौरान उनको भी बोलने का मौका दें और उनकी बातों को खुले दिल से एक्सेप्ट करें। जो सिंगल है वह हफ्ता खत्म होने से पहले किसी स्पेशल वन से मिल सकता है। इन दिनों अंदर से ही अपने पार्टनर को ज्यादा जानने के लिए और ज्यादा से ज्यादा टाइम उनके साथ स्पेंड करने के लिए आप किसी पॉजिटिव थॉट्स को महसूस करेंगे, जिससे अल्टीमेटली आपकी लव लाइफ इम्प्रूव होगी। अपने कैरियर में, प्रोफेशनल लाइफ में आज तक आप जो फसल बोते रहे हैं, फाइनली यह हफ्ता उस फसल की कटाई का है। इस हफ्ते आपकी इनकम भी अच्छी रहने वाली है और कामकाज भी सही ढंग से चलने वाला है। हो सकता है जॉब में आपको अपनी कैपेसिटी से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएं, पर जरूरत है कि इस बात को पॉजिटिवली देखें। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज बर्डन होकर आगे बढ़ने की सीढ़ी भी बन सकते हैं। एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब ये है कि आपके सुपीरियर्स आप पर भरोसा करते हैं। वैसे इन जिम्मेदारियों को निभाने में आपको अपने कलीग्स का साथ भी मिलेगा, बिजनेस में भी आपको अच्छा फायदा मिलेगा। तो कैरी ऑन एंड डू योर बेस्ट। अपना बेस्ट आउटपुट इस हफ्ते आपको अपने फैमिली के लिए भी देना है। आपके फैमिली मेंबर्स खास करके लाइफ पार्टनर को हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो इस समय दवाई पर खर्चे भी होंगे। और हाँ, हो सकता है आपको किसी बड़े डॉक्टर से मुलाकात भी करनी पड़े। पार्टनर के साथ अनबन होने की भी पॉसिबिलिटीज है, लेकिन इस बात का इलाज है कम्युनिकेशन। खुले दिल से कम्युनिकेट करके बातों से आप अपने डिफरेंसेस का अंत ला सकते हैं और बातचीत से झगड़े सुलझाने में आप तो माहिर ही हैं। वैसे तो आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी माहिर हैं, लेकिन इस हफ्ते आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना होगा, खास करके पैसों के आउटफ्लो के बारे में अलर्ट रहे। अलर्ट तो स्टूडेंट्स को भी रहना है, क्योंकि यह सबसे उन्हें एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में काफी अधिक एप्रिसिएशन मिलेगा। अलर्ट इसलिए रहना है, इन बातों से उनका फोकस कहीं पढ़ाई से शिफ्ट ना हो जाए। आपकी टीचर और माता पिता की बातें मानिए, क्योंकि ये लोग कॉन्स्टेंटली पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट करने के लिए आपको इंस्पायर और मोटिवेट करते रहेंगे। ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। मिक्स्ड फीलिंग्स के बारे में तो सुना ही है ना, बस सबका भी वैसा है। अच्छी बात यह है कि काफी समय से जो पाने के लिए आप मेहनत करते हैं, वह चीजें इस हफ्ते फाइनली अचीव कर पाएंगे। बिजनेस में इस हफ्ते अच्छे रिटर्न्स मिलने की गारंटी है। वैसे भी आपका नेटवर्क अच्छा है, जिसकी ओर से आपको नए प्रोजेक्ट्स रेगुलरली मिलते रहे। हर किसी को जिंदगी में चाहिए स्टेबिलिटी, जो आपको मिलेगी इस हफ्ते। स्टेबिलिटी के साथ साथ सफलता, सक्सेस, इससे अच्छा और क्या हो सकता है भला। लेकिन आप तो जानते ही होंगे, सफलता के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में करने पड़ते हैं सही चुनाव। इस हफ्ते आपके पास बैठकर रिलैक्स करने का वक्त होगा, लेकिन उसी वक्त को आप यूटिलाइज कर सकते हैं एक्टिव रहकर मेहनत करते हुए। जॉब में आपको अच्छा परफॉर्मेंस देने में बेशुमार मौके मिलेंगे, तो मौके पर चौका मार ही दीजिए। आपके कलीग्स अचानक से आपके राइवल की भूमिका में आ सकते हैं। ये सिचुएशन मुश्किल हो सकती है, स्पेशली जब आपका नेचर सेंसिटिव हो तब। हमारी तो यही एडवाइस है कि बी काम और बी न्यूट्रल। काम तो आपको रिलेशनशिप में भी रहना होगा, क्योंकि इस हफ्ते आ सकती है रिलेशनशिप क्राइसिस। चांसेस है कि अचानक से आपका पार्टनर रिलेशनशिप से पीछे हटने लगे, इसकी वजह गलतफहमी भी हो सकती है। आप समझ सकते हैं कि ऐसे में कितना स्ट्रेस हो सकता है, लेकिन आपको अपना कूल मेंटेन करना है और इस चैलेंज का मुकाबला भी करना है। तो जरूरी ये है कि सिचुएशन ज्यादा बिगड़ने से पहले ही
आप अपने पार्टनर से खुलकर बात करें, क्योंकि बातों से ही बातों का हल निकल सकता है। कहते हैं इंडिया में सिर्फ 3 चीजें चलती है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। अगर आप कैप्रिकॉन हैं और साथ ही साथ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा है तो थोड़ी सी मुश्किल है। सप्ताह की शुरुआत में आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के वक्त भी आपको चौकन्ना रहने की जरूरत है। हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें आपके मुताबिक न हो। इन रिजल्ट या तो आपको कॉम्प्रो करना होगा या फिर कॉन्ट्रैक्ट छोड़ना होगा। अगर आप किसी और फील्ड से हैं, तब भी फर्स्ट हाफ ऑफ द वीक चैलेंज से भरा हुआ रहेगा। हाँ, डॉक्टर अगर स्पेशलाइजेशन के लिए आगे पढ़ाई करने की सोच रहे हैं तो बिंगो, किस्मत उनका साथ देगी। इस हफ्ते आप सेमिनार या डिस्टेंस एजुकेशन से जुड़ सकते हैं। इन शॉर्ट, आप अपनी स्किल डेवलप करने के लिए तैयार है। टेक्निकल फील्ड से जुड़े लोगों के लिए ये हफ्ता काफी एक्साइटिंग होगा। बिजनेसमैन भी प्रोग्रेस करेंगे। प्रोफेशन कोई भी हो, इस हफ्ते आप काफी बिजी रहेंगे। बाहर जितना बिजी रहेंगे, घर परिवार में आप इन दिनों उतना ही खुश रहेंगे और रिलैक्स भी रहेंगे। आप चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, माँ का आंचल सबके लिए हमेशा खुशियों का मकाम रहता है। बड़ी बात ये है कि इस हफ्ते आपकी माँ आपसे काफी खुश रहेगी और उनको आप जिंदगी के सुख दे पाएंगे। इनफैक्ट आपने उनके लिए जो भी एफर्ट्स किए हैं उन्हें अप्रिशिएट करेंगी। यहाँ तक कि आपके लाइफ पार्टनर्स और इन-लॉज भी आपके लिए प्राउड फील करेंगे। वैसे इन दिनों आप सोशल इवेंट्स में अटैच रहेंगे, सो जस्ट एंजॉय। कहा जाता है दुनिया तभी आपकी रिस्पेक्ट करती है जब आप खुद अपनी रिस्पेक्ट करते हैं। वेल, दुनिया आपकी टैलेंट का लोहा भी तभी मानेगी जब पहले आप खुद अपनी स्किल्स को पहचानेंगे। और इस हफ्ते यही तो होने वाला है। आपकी काबिलियत आप खुद देख पाएंगे, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जॉब में भी अच्छी प्रोग्रेस दिख रही है। आपका लॉन्ग अवेटेड प्रमोशन का सपना साकार होगा। आपको ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी जाएगी जो आपके फ्यूचर के लिए काफी पॉजिटिव साबित होगी। इन शॉर्ट, प्रोफेशनली थोड़े बहुत बदलाव आएंगे, लेकिन वे अच्छे के लिए होंगे, ये बात पक्की है। ये हफ्ता सारे कुंभ राशि वालों के लिए अच्छा ही है। अब सोचिए, पॉलिटिशियन एक ऐसा व्यक्ति है जो एक साथ सबको कभी खुश नहीं रख पाता, लेकिन अगर आप एक्वेरियस वाले हैं और साथ ही में एक पॉलिटिशियन है तो भी इस हफ्ते आप सबको खुश रखेंगे, चाहे वो आपके फॉलोअर्स हो या फैमिली। आपके काम की सब सराहना करेंगे। स्टूडेंट्स भी इस सप्ताह अच्छा परफॉर्म करेंगे। अपने टीचर्स और स्टडी के लिए आपका जो डेडिकेशन है वही आपको सक्सेस दिलाएगा। अगर आप काफी टाइम से किसी स्कॉलरशिप के लिए ट्राई कर रहे हैं तो फाइनली उसे पाने के दरवाजे खुलते नजर आएंगे। अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए भी कुछ दरवाजे खुलेंगे, जिससे होते हुए आपकी जिंदगी में भी किसी स्पेशल वन की एंट्री होगी। आपका पार्टनर समझदार और मैच्योर्ड होगा, उनकी वजह से आपकी मुलाकात कुछ इन्फ्लुएंशियल लोगों से जरूर होगी, जिससे आपका स्टेटस भी बढ़ेगा। वैसे जो कमिटेड है उन्हें इस हफ्ते डिसाइड करना पड़ेगा कि वह शादी के लिए तैयार है या नहीं। जिनके बच्चे छोटे हैं उन्हें केयरफुल रहना है, क्योंकि इस हफ्ते बच्चों को छोटी मोटी चोट लगने की बड़ी संभावना है, तो अपने बच्चों का प्लीज ध्यान रखें। हेलो बिजी बीज, जी हाँ, इस हफ्ते आप बहुत बिजी रहने वाले हैं। आपको कुछ पेंडिंग टास्क खत्म करने पड़ सकते हैं। इस हफ्ते पेंडिंग टास्क आपका अटेंशन मांगेंगे और ये काम ऐसे होंगे जिसे आप डेली भी नहीं कर सकते। आपको फोकस्ड और कॉन्सेंट्रेटिव रहना होगा। वीकेंड तक आप अपने काम आसानी से खत्म कर पाएंगे। जॉब वाले लोगों को अपने सीनियर्स के साथ चैलेंजिंग सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। आप अपने आप को कुछ फंसा हुआ पाएंगे। याद रखिए, अपने आप को और अपने दिमाग को कंट्रोल में रखना है और शांति से इस सिचुएशन को सुलझाना है। एक और प्रॉब्लम भी आ सकती है।
आपकी वर्क रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इस हफ्ते कुछ तब्दीलियां होने की संभावना है। अपने नए रोल को लेकर आप वरीड फील कर सकते हैं। बिजनेसमैन शायद इस हफ्ते एक छोटी सी मगर सुंदर बिजनेस ट्रिप का लुत्फ उठा सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये सप्ताह मुश्किल हो सकता है। आप इन दिनों कंफ्यूज्ड हो सकते हैं या अपना फोकस भी खो सकते हैं, जिसकी वजह ये है कि शायद आप गलत दोस्तों की कंपनी में हैं। तो इस वजह को पहले ठीक कीजिए। वजह को ढूंढना और ठीक करना प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की दिशा में सबसे पहली पहल होती है। अब देखिए, प्रॉब्लम्स तो रिलेशनशिप में भी आ सकती है, क्योंकि रिलेशनशिप अंगूर के दानों की तरह होती है, कुछ खट्टी कुछ मीठी। अपने पार्टनर के साथ इस हफ्ते आपको खट्टी मीठी नोक झोंक का सामना करना पड़ेगा। खास करके मैरिड कपल्स के बीच डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ सकते हैं। आप आराम से उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए और कम्युनिकेशन बनाए रखिए। वक्त के साथ मुश्किलें आसान हो जाएगी।